ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ी और दीगर अमला बायो सिक्योर बबल का हिस्सा। कोरोना रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद प्रैक्टिस की इजाजत होगी। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च को रावलपिंडी में खेला जाएगा। PSL 7 का हुक्मरान कौन, फैसला आज होगा। कजाफी स्टेडियम में लाहौर कैलेंडर्स और मुल्तान सुल्तान का टाकरा शेड्यूल। फाते टीम को 8 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप को 3 करोड़ 20 लाख रुपए इनामी रकम दी जाएगी। रूस के यूक्रेनी फोर्सेस पर हमलों में शिद्दत। रूसी वजीर दिफा का केव के एयरफील्ड पर कब्जे का दावा। मगरबी हिस्से से यूक्रेन फोर्स की सप्लाई लाइन भी ब्लॉक कर दी। अमरीका और अल्बानिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का आज फिर हंगामी इजलास होगा। इजलास बुलाने के खिलाफ मुस्तकिल 5 अरकान में से किसी को वीटो का अख्तियार नहीं होगा। आलमी बरादरी की मजम्मत के बावजूद रूस की जारहाना पॉलिसी। मॉस्को ने बल्गारिया, पोलैंड और जमहूरिया चेक के लिए फजाई हदूद बंद कर दी। अमरीकी सदर की जानिब से यूक्रेन के लिए 600 मिलियन डॉलर की मंजूरी। जर्मनी का 1000 टैंक शिकन और स्टिंगर मिसाइल देने का ऐलान। रूस यूक्रेन तनाजा तुर्की सालिसी के लिए मैदान में आ गया। तुर्क वजीर खारजा का रूसी हममनसब को टेलीफोन। मिलिट्री ऑपरेशन फौरी रोकने का मुतालबा। अमन मुजाकरात के आगाज के लिए मदद की पेशकश। वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च। पीपल्स पार्टी आज कराची से इस्लामाबाद का रुख करेगी। तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो अपनी वालदा के जेर इस्तेमाल रहने वाले ट्रक पर सफर करेंगे। मिजार कायद से चलने वाले शुरका 34 इजलास से होते हुए 8 मार्च को शहर इक्तदार पहुंचेंगे। जियाले पुरजो। सिंध सरकार के खिलाफ बरसरे पैकार पीटीआई ने मैदान लगा लिया। घोटकी से शुरू होने वाले मार्च के शुरका का सखर में पड़ाव। 15 साल से इक्तदार पर काबिज सूबाई हुक्मरानों ने अपनी तिजोरियां भर ली। वक्त आ गया है नौजवान अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। रहनुमाओं के खिताब।